आइए हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे, ये देखेंगे कि ये कैसे बनता है प्रतिबिंब, ये कितने प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, वास्तविक काल्पनिक, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तब समझ आएगा सर। ओके, आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण, यहाँ आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर आकर के काटती है, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। फिर से सर, किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें लौटती हैं, तो वापस लौटते समय जिस बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक, इधर लिखते हैं, आपको ना दिख रहा होगा, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस वापस लौटती हैं, तो वह जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस लौटते हैं, तो वापस लौटते समय जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, उसी को बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। आइए इसको फिगर के हिसाब से देख लेते हैं। आइए देखिए, ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये बहुत बड़ा बन गया है, ये परावर्तक सतह हो गया सर। इधर ये होता है, ये रजनित सतह होता है, जिधर ये कवर किया हुआ रहेगा वो रजनित सतह हो जाएगा, ठीक है सर। आप ये परावर्तक सतह हो गया, और जो इधर कवर किया हुआ था, ये रजनित सतह हो गया, रजनित सतह, आप इसको याद रखेंगे। इधर क्या हो गया, परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह आप लिख लेंगे, इधर फिगर बना रहे हैं इसलिए ना लिख रहे हैं, ठीक है। इधर क्या हो गया, रजनित सतह, इधर क्या हो गया, परावर्तक सतह, ठीक है। आप यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींच सकते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, ये आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव रहता है सर, पोल पी से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकस रहता है एफ, यहाँ पे वक्रता केंद्र रहता है सी। ओके सर, देखिए क्या बोला है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, तो आइए सर इसको भेजते हैं हम, परावर्तक सतह से टकराएंगे। तो देखिए, परावर्तक सतह से टकराया, ठीक है, ये सीधी मुख्य अक्ष के, ये कौन सा रेखा है, सरल रेखा जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें जाएंगी ना, तो वो परावर्तक सतह से टकरा कर वो फोकस से लौटते, ठीक है, ये नियम होगा, आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो वह परावर्तक सतह से टकराएगी ना, तो वो कहाँ कहाँ पर मतलब मिलेंगी, फोकस पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। ये इस तरह से लौटा है, ठीक है। और एक और किरण ले लेते हैं, ठीक है, एक और किरण हम इसको ले लेते हैं, तो कहाँ से ले लें एक और किरण, देखिए इसको हम मान लिया जाए कि फोकस से गुजारते हैं, इसको फोकस से हम गुजारते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि एक और किरण कहाँ से ले लिए, फोकस से, यहीं से आप ले सकते हैं, यहीं से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, मिटा लें क्या, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कहाँ से गुजारेंगे, अगर यहाँ से गुजारे तो ये फोकस से गुजारे, अब फोकस से गुजारेंगे ना, तो यहाँ से ये समांतर रूप में आ जाएंगे, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर रूप में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये परावर्तित होकर के ये ऐसे जा रही है सर, ठीक है, ये किरण मारे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये परावर्तक सतह से टकरा करके से लौटेगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो ये दोनों किरणें कहाँ कटा है, यहाँ कटा है ना, ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, प्रतिबिंब, ठीक है।
हमको वही जानना था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब उसे टकरा कर वापस लौटती है तो जिस बिंदु पर काटती है ना उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। ठीक है सर, इतना दिक्कत है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटते समय एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, जो वास्तविक रूप से काटेगा ना सर वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जो मतलब काल्पनिक रूप से काटेगा मतलब कि लगेगा इधर बन रहा है या जिस बिंदु से आते प्रतीत हो रहा होगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब ये क्या प्रकार का होता है तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार के होता है। ठीक है सर, प्रतिबिंब आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख लेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, आप यहाँ लिख लेंगे एगो वास्तविक होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब, एगो क्या होगा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होगा, कौन कौन होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और जो वास्तविक रूप से कट करेगा जैसे कि ये वास्तविक रूप से कट किया ना, इधर से किरणें जा रही है फिर लौट रही, इधर से किरणें भेज रहे फिर लौट रही, तो वास्तविक रूप से कट किया है तो वास्तविक रूप से जो कट करेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है सर, और जो काल्पनिक रूप से कट करेगा मतलब कि बिंदु से आते प्रतीत होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, उसका हम फिगर पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो जब इसमें लिख लेते हैं सर, आप इसका डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती हैं, वापस लौटती हैं, आपको दिखता होगा मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, वापस लौटती हैं तो वापस लौटते समय, तो वापस वापस लौटते समय, लौटते लिखना चाहिए, वापस लौटते समय, लौटते समय वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वास्तविक रूप, वास्तविक समय क्या लिखे सर, जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो वापस लौटते समय वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। सर आप इसको लिख लेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है सर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटते समय वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर दोनों किरणें आपस में काटती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहेंगे तो जस्ट इसका थोड़ा सा अलग है सर, आप देख लीजिए इसको, जब प्रकाश की किरण प्रतीत होती हैं
उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है सर, इसका ये वास्तविक प्रतिबिंब का ये फिगर हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब का फिगर। अब इधर पार लेते हैं, आइए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर सर यहाँ था, आप देख लिया होंगे, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब का देखिए। मान लिया जाए कि ये ऐसे हैं परावर्तक सतह, इधर हम कलर किए हैं, रजनित सतह इधर है, ये क्या हो गया, ऐसे ये मुख अक्ष हो गया सर, आप ऐसे पार सकते हैं इसको। ठीक है, कैमरा चालू है सर, एक सेकंड सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जब यहाँ से एक एक यहाँ से सॉरी यहाँ से किरणें डालेंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर ना जाएगा, ये टेढ़ा है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर चल जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के या किरणें क्या चल जाएगा, इधर जाएगा। और एक और किरण लेना है आपको, एक और किरण यहीं से ले लीजिए, एक वस्तु है ना यहाँ पे, तो एक ही से लेना है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के किधर चलाएगा, इधर आएगा। लेकिन देखिए ये जो है ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये किरणें इधर ऐसे आएंगे सर ये, ठीक है। वास्तविक रूप से तो वो उधर चल गया है, लेकिन ये जाना चाहिए कैसे, मतलब कि ऐसे ये रेखा कैसे खिंचाएगा, ये किरण ऐसे में खिंचाएगा, ठीक है, और ये वास्तविक रूप से इधर चला गया, लेकिन इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे नहीं, कि ये किरणें किन्हें से आ रहे हैं, सीधे से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं ना, कि इधर से आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे। सॉरी सर, लाइन कट गया है, आपको दिख रहा है क्या, लाइन कट गया है सर, आपको दिखता होगा, थोड़ा अंधेरा, लाइन कट गया है। ये किरणें देखिए, ये दोनों एक ही बिंदु से गया है सर, ये एक ही बिंदु से गया, ये जा रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, और ये किरणें जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, किन्हें है ऐसे देखिए आया है। ठीक है, तो ये काल्पनिक रूप से यहाँ कटा है ना, ये किरणें आप मान लिया जाए कि यहाँ कोई आँख लगा करके यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई मान लिया जाए कि आंख लगा कर देख रहा है, तो ये किरणें कहाँ आकर मिलेंगे, दोनों किरणें यहाँ आके मिलेंगी ना, क्योंकि ये किरण सीधा करेंगे तो यहाँ पे कटेगा, मतलब कि ये किरणें ऐसे जाएंगी और ये किरणें सीधा करेंगे तो यहाँ पे कटेगा ना, तो वास्तविक रूप से ये ना कटा, काल्पनिक रूप से लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही, ना कि इधर से आ रही, ठीक है, ये किरणें यहाँ से आ रही, इसको प्रतीत हुआ कि ये किरणें इधर से कट रही है, ठीक है, तो ये आती प्रतीत हो रही है, तो ये कैसा हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, काल्पनिक दिख रहा है सर, लाइन कट गया है सॉरी, ठीक है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, ये किरणें इधर से नहीं आ रही, बट आती प्रतीत हो रही है। अभी क्या लिखा है, जो किरणें आती प्रतीत हो रही होंगी वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है सर, ठीक।